आपको हम तो थिएटर देखने के लिए आए थे काजल को इसको देख के 3 दिन से हम यहाँ पर जमीन पे सो रहे हैं। देख के क्या मिलेगा? देख के मजा आता है। एक सप्ताह से थिएटर बंद है, एक सप्ताह से थिएटर बंद है और सभी मेला ग्राउंड का लाइसेंस मिल चुका है लेकिन थिएटर का लाइसेंस नहीं मिला है। इस सरकार कौन सा सरकार है? तेजस्वी है कि नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार है? इसमें डीएम का कहना है कि हमको कुछ माल चाहिए। अच्छा। उनको माल मिलेगा तभी वो मेला को लाइसेंस देंगे। आप लोग माल नहीं दिए? हम लोग नहीं दिए हैं और नहीं देंगे। क्यों देंगे? अच्छा ठीक है, चच्चा गलत है, तेजस्वी सही है। हमको बात करवाइए आप नीतीश कुमार से नहीं, हमको तेजस्वी से बात करवाइए। ऑनलाइन बात करवाइए। बेंगलोर से झूला आ गया है, बेंगलोर वाला झूला आया है, 5 लाख रुपया लगा के आया, 1 लाख रुपया नहीं कमा के जाएगा, फिर ये दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो उसको नुकसान ही जा रहा है। अभी 10 दिन से ये मेला स्टार्ट हुआ है, 10 दिन से झूला नहीं चल रहा है, लाइसेंस नहीं मिला है उसको, तो क्या करेगा? वो भी अभी आके लगा दे सकते हैं? आप दे सकते हैं मीडिया वाले? हम कौन सा चैनल से? आप कौन सा चैनल से? आप लोग के हाथ में गोलू टूडे ब्लॉग। आप कौन सा चैनल से? गोलू टूडे ब्लॉग। नहीं, आप कौन सा चैनल से? गोलू टूडे ब्लॉग। गोलू टूडे चैनल से है। ये थिएटर के पास आए हुए हैं, थिएटर का माहौल ले रहे हैं, ठीक ना? कहने का मतलब है ऐसी आएगा जो मेला देखने के लिए, मेला बंद है तो देखेगा क्या भाई? यहाँ जब चाय पीने का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं, बिस्किट कुछ भी व्यवस्था नहीं, सारा व्यवस्था बंद कर रखा, तो फिर आएगा खा वखा। और एक नया नियम लगा रखा है कि जो भी आता है उसको 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है प्रशासन द्वारा, और रिटर्न जो भी आता है वो रिटर्न चला जाता है। जैसा पहले से सोनपुर का अब वो हालात नहीं रहा, अब पहले से बुरा करना चाहेंगे लोगों को, कभी तो 2-4 दिन नहीं आए क्योंकि अब पता नहीं कब चलेगा नहीं चलेगा। हम तो 110 किलोमीटर से दूर से आए हैं, हम तो आकर के बुड़वक बन गए ना, यहाँ पानी का कोई सुविधा है ना, कोई सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था दिख रहा है। मतलब आप इतना ही समझ जाइए कि अभी मेला 2-4 सप्ताह आने का चीज़ नहीं है। बोला जाता है कि थिएटर में गलत काम होता है, थिएटर में कोई भी गलत काम नहीं होता है, यहाँ कलाकार लोग आते हैं जो कि अपना कला दिखाते हैं, ना कि यहाँ कोई की उल्टा सीधा काम होता है। सबसे बड़ा उल्टा सीधा काम तो भैया नीतीश कुमार किए हैं विधानसभा में, जो कि आप कुछ दिन पहले सुने ही होंगे। और उससे भी बड़ा मुद्दा भी है कि आरक्षण वाला, बताइए 75% आरक्षण दिया गया है उन लोग को, मेन मुद्दा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। अब बात कर दिखाला दिखाने का कहना है कि अश्लील कामें होती है मतलब अंदर में, इसी कारण हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसी वजह से लाइसेंस को देने के लिए इनकार कर रहे हैं। अगर ना बिलीव नहीं हो रहा है तो नीतीश कुमार खुद आके एक रात बैठ के देखे क्या हो रहा है इसमें। पढ़े देखिए, हम चाहते हैं भैया कि पढ़े लिखे कोई शिक्षित आए, ना कि कोई अनपढ़ आ जाए जो कि विधानसभा में जाकर उल्टा सीधा बात करे। बताइए, कह रहे थे कि हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। भैया जागरूक वैसे किया जाता है, मतलब विधानसभा में डायरेक्ट उल्टा पुल्टा बात बोल के जागरूक किया जाता है? जागरूक कराने का भी एक नियम होता है, जैसे मेला बंद है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हम नवादा से आए हैं, 110 किलोमीटर दूर से। मेला माते के साथ देखें कि मेला में कोई भी न ठेला लगा है न कुछ लगा हुआ है, तो हम यहाँ देखिए चुनौतियों से नहीं चुतियों से परेशान है, क्योंकि बिहार में लोग आदमी समझ नहीं पा रहे, यहाँ जातिवाद चल रहा है। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त हैं। दोस्तों अभी हम सोनपुर मेला के जो है कि सबसे प्रसिद्ध जो है कि शोभा सम्राट थिएटर के पास हम मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही है शोभा सम्राट थिएटर। ये मेला का सबसे प्रसिद्ध जो है कि थिएटर माना जाता है और ये थिएटर अभी तक बंद है दोस्तों। इसी कारण जो है कि यहाँ के दुकानदारों ने और थिएटर वालों ने आज हड़ताल किया है, और हड़ताल होने के कारण पूरा मेला बंद है दोस्तों। तो चलिए, हम यहाँ बहुत सारे पब्लिक लोग जुटे हुए हैं, चलिए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं तो क्यों बंद किए हैं, क्या कारण है, क्या मतलब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सरकार से, सारी चीज़ें का हम जानकारी लेते हैं। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे शोभा सम्राट थिएटर, इंडिया थिएटर, गुलाब विकास थिएटर सब लाइने से है, और यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग जुटे हुए, चलिए लोगों से जानने का प्रयास करते। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए, आपको मेला बंद है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? मेला बंद है इसलिए कि थिएटर का अनुमति नहीं दी जाती है। अनुमति नहीं दी जाती जी।
सुनने में तो आया कि लाइसेंस तो मिल रहा है। पता नहीं, ये जानकारी उतना नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आप कहाँ से हैं? दरभंगा से। दरभंगा से? अच्छा, क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? मेला करने आए हैं। मेला? इतना सुबह सुबह? रात में यहीं पे रुके हुए थे क्या? जी। अच्छा, मतलब किस मकसद से आए हुए थे यहाँ पे? दुकान करने के लिए। अच्छा, मतलब दुकान है आपका? क्या चीज का दुकान है? मोजा टोपी का। मोजा टोपी का। थिएटर बंद है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? थिएटर बंद है, पब्लिक नहीं जुट रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि थिएटर चालू? जी जी। अच्छा, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस में थोड़ा रुकावट मतलब आ रही है। जी जी जी, बिजनेस नहीं चल रहा। बोलिए ना, लाठी चलेगा? लाठी? क्या लाठी चलेगा? किसके ऊपर लाठी चलेगा? मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी के क्या इसमें? मोदी जी ने सब करवाते हैं। मोदी कुमार करवा रहे हैं? मोदी जी या नीतीश कुमार करवाते हैं? मोदी जी नहीं करवाते हैं, नीतीश कुमार करवाते हैं ना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कहेंगे वही ना होगा। हाँ, तो उनको चालू करवाना चाहिए, वो अपना क्षेत्र के चालू करवा रहे हैं। इधर क्या नहीं चालू करवा रहे हैं? फिर भी मतलब मेला चालू हुआ तो उद्घाटन हुआ, मेला चालू, ठिलेटे फिलेटे सब चालू होगी उसी दिन से। यहाँ पे चालू नहीं, यहाँ उसको घर मार लिया, यहाँ पे क्या नहीं चालू करवा रहे हैं? मेला बंद है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हम नवादा से आए हैं, 110 किलोमीटर दूर से। मेला माते के साथ देखा कि मेला में कोई भी न ठेला लगा है न कुछ लगा हुआ है, तो हम यहाँ देखिए चुनौतियों से नहीं चुतियों से परेशान है, क्योंकि बिहार में लोग आदमी समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ जातिवाद चल रहा है। पहले सबसे पहले कि अनपढ़ का सरकार हटाइएगा, तभी कुछ पढ़ा लिखा वाला काम होगा। नया चेहरा लाने का अब जरूरत है। सब बोला जाता है कि थिएटर में गलत काम होता है, थिएटर में कोई भी गलत काम नहीं होता है। यहाँ कलाकार लोग आते हैं जो कि अपना कला दिखाते हैं, ना कि यहाँ कोई उल्टा सीधा काम होता है। सबसे बड़ा उल्टा सीधा काम तो भैया नीतीश कुमार किए हैं विधानसभा में, जो कि आप कुछ दिन पहले सुने ही होंगे। और उससे भी बड़ा मुद्दा भी है कि आरक्षण वाला, बताइए 75% आरक्षण दिया गया है उन लोग को। मेन मुद्दा पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। अब बात करेगा कि थिएटर बंद करा दो तो फलना बंद करा दो, तो जातिवाद में शादी करा दो, तो घोंघा खिलाबो, सितुआ खिलाबो, अलर बलर का खिस्सा लावेगा। पढ़ा लिखा तो बातें नहीं करता है। तो यहीं राजगीर में जो है कि मेला शुरुआत हुआ, तो उसी दिन से थिएटर मतलब वहाँ पे चालू हो गया। और ये एशिया का सबसे बड़ा मतलब सोनपुर यहाँ पे मेला लगता है, और यहाँ पे क्यों नहीं मतलब चालू हो रहा है? तो पहले यहाँ पर नीतीश कुमार बोले थे कि हम गरीबी को हटाएंगे, अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम गरीब को हटा देंगे, इसीलिए इस बार मेला में नहीं चालू कर पा रहे हैं। और बोल रहे हैं कि बल यहाँ कुछ गलत काम होता है। बताइए, सबसे बड़ा गलत काम तो नीतीश कुमार खुद करते हैं, जो कि एक नंबर के गंजेड़ी हैं, खुद गांजा पी करके अथी रहते हैं, विधानसभा में उल्टा सीधा कहानी बताते हैं। जिस मुद्दे पर बात करना है उस मुद्दे पर कुछ बातें नहीं करते हैं। थिएटर लगाने, बताइए सब गरीब लोग क्या करेगा? जो कि ठेला लगाए हैं सब यहाँ पर टैक्स भरता है, 50,000, कोई 60,000, एक महीने का यहाँ 60,000, 70,000 टैक्स दिया जाता है। बताइए गरीब लोग कहीं कहाँ जाएगा? जो कि लागत लगा के, अगर 5 लाख लगा के बाहर से आया है यहाँ, अगले बार से कभी आएगा? अगर भारत जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला ही जाना जाता है, बिहार अगर किसी वजह से अगर प्रसिद्ध है तो वो सोनपुर के मेला की वजह से प्रसिद्ध है। अब बताइए जब मेला ही नहीं लगेगा भैया, तो बिहार का रौनक ही सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो सरकार के प्रशासन के द्वारा तो लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का मांग है कि 5 दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ एक सप्ताह हम लोग रुक गए, और हम लोग पैसा दिए हुए हैं, मतलब यहाँ के जमीन वाले को बहुत सारा पैसा मतलब खर्च किए हैं, उतना पैसा नहीं निकल पाएगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम मतलब 25 दिसंबर तक ही का लाइसेंस देंगे। जी, हम बताना चाह रहे हैं कि सर देखिए, इसमें एक आदमी पैसा नहीं ले रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक का पैसा लिया जा रहा है। डीएम एसपी इसमें टोटल A to Z आदमी से पैसा लेता है, जो कि जमीन जिनका है वो भी पैसा लेंगे, कुछ लोकल है वहाँ भी वो भी पैसा लेंगे। तो इनका जब खर्चा ही नहीं निकलेगा तो बाहर से यहाँ क्यों आए हैं? आप बताइए, जब यहाँ जो भी है, अगर 10 लाख जैसे कि मोटा मोटी बताइए, अगर 10 लाख रुपया वो अगर लगाए हैं, और यहाँ से अगर वो 5 लाख रुपया लगा के लेके जाते हैं, तो फिर 5 लाख क्या वो अपने घर से लगाएंगे? आप कहाँ से हैं? हम नवादा से आए हैं, 110 किलोमीटर दूर से। कब आए हैं मतलब? हम आज ही आए थे, हमको पता नहीं था कि मेला में ये सब कुछ चल रहा है। हमको लगा मेला है, एंजॉय करेंगे, आराम से कुछ सामान लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम से जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं माहौल ही बदला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था कैसा लग रहा है आपको? सर, व्यवस्था कुछ है ही नहीं, हम दिन भर से घूम रहे हैं, हमको पानी तक का गिलास कहीं पर दिख नहीं रहा है कि सुविधा के वहाँ पर कहीं पानी मिल रहा हो, चाहे कुछ चलाया गया हो, कोई मुहिम चलाया जा रहा हो नीतीश कुमार के द्वारा। मतलब चल रहा था, चाय का दुकान भी बंद कर दे, एक चाय का दुकान भी बंद नहीं, वो पूरा मार्केट का बंद कर दे, सन्नाटा करके रखा है, पूरा सोनपुर बंद है। इसलिए बोले बोले। अच्छा, थिएटर आप मतलब देखे हुए हैं कि नहीं? हम लोग थिएटर देखे हुए हैं, थिएटर में कोई अश्लील काम नहीं होता है, जो भी देखता है, जो भी बोलता है वो चूतिया है, और उसको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो आके देखे कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर से जितने भी कलाकार आते हैं वो कलाकार कला दिखाने का कहना है कि अश्लील कामें होती है मतलब अंदर में, इसी कारण हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसी वजह से लाइसेंस वो देने के लिए इनकार कर रहे हैं।
अगर ना बिलीव नहीं हो रहा है तो नीतीश कुमार खुद आके एक रात बैठ के देखे क्या हो रहा है इसमें। तो ठीक है चच्चा गलत है, तेजस्वी सही है। हमको बात करवाइए आप नीतीश कुमार से नहीं, हमको तेजस्वी से बात करवाइए। ऑनलाइन ऑनलाइन बात करवाइए, ऑनलाइन ऑनलाइन अभी ऑनलाइन बात करवाइए। जेल में जगह कम पड़ जाएगा, ऑनलाइन बात करवाइए हमको, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैक नहीं लीजिए, जब मैक डाला दी तो मैक नहीं लीजिए हम। थिएटर जिंदाबाद, थिएटर जिंदाबाद, नहीं थिएटर जिंदाबाद नहीं, मेला का समाज मेरा जिंदाबाद रहेगा। मेला में नहीं कमाने वाला आदमी क्या? तो वहाँ पे क्यों लाइसेंस मिल गया थिएटर वाले को, मतलब जिस दिन मेला चालू हुआ उसी दिन? अब उनके वार्तालापी पर अब उनको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं कि एशिया महाद्वीप का ये नंबर वन मेला है सोनपुर, इसको नीचे गिराने का, तो गिरा सकते हैं, सब तो उन्हीं का हाथ में है। अभी भाई सत्ता जिसके हाथ में रहेगा उसी के हाथ में सब चीज़ रहेगा ना। अच्छा 2024 में किसको आप देखना चाहेंगे? हम लोग बस युवा सरकार से खोजते हैं, कोई भी युवा सरकार हो, नया सरकार हो और पूरा बिहार का विकास हो, यही चाहते हैं हम लोग। पढ़े देखिए हम चाहते हैं भैया कि पढ़े लिखे कोई शिक्षित आए, ना कि कोई अनपढ़ आ जाए जो कि विधानसभा में जाकर उल्टा सीधा बात करे। बताइए कह रहे थे कि हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, भैया जागरूक वैसे किया जाता है, मतलब विधानसभा में डायरेक्ट उल्टा पुल्टा बात बोल के जागरूक किया जाता है? जागरूक कराने का भी एक नियम होता है, जैसे कोई मुहिम चलाएं, कोई अथी करवाएं, कहीं पर पोस्टर लगवाएं, बोर्ड लगवाएं, सब चीज़ का प्रोसेस होता है ना, कि कोई ओपन बोले रोड पर जाकर के बोलेगा उसको मुहिम नहीं बोलेंगे, उसको चूतिया बोलेंगे कि जो पी खा करके ड्रामा कर रहा है जाकर के विधानसभा में। खुद वो अपना बात फिर बताइए, खुद वो अपना बात पीछे ले रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बोले थे उल्टा पुल्टा, फिर बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को बुरा लगा हो। भैया बुरा जब हमको लगेगा, विधानसभा में एक महिला बैठी हुई है वो रो रही है, तो भैया ये सब गलत चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि कोई युवा नेता है, जैसे कि चिराग पासवान एक शिक्षित नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिहार के लोग वो मानेंगे नहीं। बिहार में जातिवाद चलता है, जैसे हम अगर भूमियार हैं तो हम भूमियार को वोट देंगे, अगला आदमी यादव है वो यादव को देगा, इसीलिए बिहार बस पीछे है। जबकि बिहार में हमारा सारा चीज़ का फैसिलिटी है, आप पूसा कॉलेज देख लीजिए, कोई भी बड़ा बड़ा कॉलेज देख लीजिए, हमारे यहाँ बिहार में ही है। टोटल दूर दूर से लोग यहाँ, जितना भी हरिहर मेला देखने के लिए लोग विदेश से आए हैं। हम दो तीन दिन पहले का वीडियो देख रहे हैं कि विदेश से लोग आ रहे हैं, ये घोड़ा मार्केट में देख रहे हैं, ये अथी मार्केट में, चिड़िया मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं। पहले यहाँ चिड़िया मार्केट लगता था, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले के एक साल पहले हम आए थे तो बताया जा रहा है कि चिड़िया मार्केट भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पशु पक्षी को ये करवाने। तो भैया जब आप चिड़िया को अथी करवा रहे हैं तो जाके देखिए ना भैया, कुत्ता उत्ता क्या, मतलब कि किसी का घर का अथी है क्या? उन लोग को भी आज़ादी दिलवाइए ना। लोगों से क्या कहना चाहिएगा, मतलब लोग आए कि नहीं अभी आए? हम देखिए जागरूक करना चाहेंगे लोगों को, कभी तो दो चार दिन नहीं आए क्योंकि अब पता नहीं कब चलेगा नहीं चलेगा। हम तो 110 किलोमीटर से दूर से आए हैं, हम तो आकर के बुड़वक बन गए ना, यहाँ पानी का कोई सुविधा है ना, कोई सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था दिख रहा है, मतलब आप इतना ही समझ जाइए कि अभी मेला दो चार एक सप्ताह आने का चीज़ नहीं है, जब तक ये सब का मैटर खत्म नहीं हो जाता नहीं होगा तब तक आने का चीज़ नहीं है, क्योंकि पर आगे से कोई आएगा विश्वास ही आएगा जो मेला देखने के लिए, मेला बंद है फिर देखेगा क्या भाई? यहाँ जब चाय पीने का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं, बिस्किट कुछ भी व्यवस्था नहीं, सारा व्यवस्था बंद कर रखा, तो फिर आएगा खा वखा। और एक नया नियम लगा रखा है कि जो भी आता है उसको 4 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है प्रशासन द्वारा, और रिटर्न जो भी आता है वो रिटर्न चला जाता है। जैसा पहले से सोनपुर का अब वो हालात नहीं रहा, अब पहले से बुरा हालात हो गया। ये नीतीश का कहना है कि सोनपुर को गिरा के राजगीर को ऊंचा करें, तो सरकार से अब क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा, मतलब कि थिएटर जल्दी चालू हो इसके बारे में? नहीं थिएटर हम लोग थिएटर के बारे में नहीं कहेंगे, हम लोग यही कहेंगे कि मेला में जितना भी दुकान है, जितना भी लगा हुआ है, झूला वाला आया हुआ है, ब्रेक डांस आया हुआ है, सब चीज़ आया हुआ है, एक थिएटर के लेके ही नहीं कहेंगे, सबका तो रोटी रोटी मारा जाता है ना, रोजी रोटी सब अपना पैसा लगा के आया है, बेंगलोर से झूला आ गया है, बेंगलोर वाला झूला आया है, 5 लाख रुपया लगा के आया है, 1 लाख रुपया नहीं कमा के जाएगा फिर ये दोबारा आएगा नहीं, तो उसको नुकसान ही जा रहा है। अभी 10 दिन से ये मेला स्टार्ट हुआ है, 10 दिन से झूला नहीं चल रहा है, लाइसेंस नहीं मिला है उसको, तो क्या करेगा? वो भी अभी अभी आके लगाया है, अभी अभी तुरंत लगाया है, अभी अभी पहले नहीं आया था, ये 4 दिन पहले लगाया है, वो भी मान कि उसको 10,000 फाइन भी लग गया। ठीक है, आप कहाँ से भाई? कहाँ से? यूपी। यूपी से? यहाँ पे कब है? यहाँ 10-12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, मतलब क्या मेला घूमने आए हैं कि? अरे मेला घूमने या बिजनेस कर रहे थे समझिए ना, लोग बैठ के बंडी बेच रहे थे हम लोग। यहाँ थिएटर के पास क्या कर रहे हैं, दुकान पे नहीं है? क्या करें, दुकान लगी कहाँ है, पूरा तथ्य आप नहीं देख रहे हैं, पूरा बंदी है समझिए, तो आप नहीं देख रहे हैं क्या? तो इस सरकारों
आपको तो बहुत नुकसान होगा। नुकसान सरकार जो है ना खत्म सरकार। अच्छा। खत्म सरकार, बिहार की सरकार खत्म है। खत्म है। और यूपी में मतलब वो कैसा सरकार है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा है। हाँ अच्छा, जो है कि तो आप भाई कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं। यहीं से? हाँ। अच्छा, क्या बिजनेस में है आपका? नहीं, हम ऐसे ही घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। अच्छा, थिएटर बंद है 7 दिनों से, जो कि अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे मिल जाता तो हम लोग रोज देखते हैं। रोज तक बगल के है, रोज देखते हैं। अच्छा, बिना पैसों के? बिना पैसा के अंदर ढुकाते हैं ना? पैसा लगता है, देखते हैं। अच्छा। हाँ, जो है कि तो सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा कि यही करेंगे भैया कि चालू कर दिया जाए, जो भी है सब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कमाने के लिए कोई ना कोई रोजगार है, किन्हीं का इनसे दाल रोटी चलेगा, कोई भी भैया लोग है, इन लोगों को सपोर्ट सरकार का भी होना चाहिए, जनता का भी होना चाहिए। और आप लोग मीडिया वाले से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थिएटर को चालू किया जाए, जिनसे जो गरीब लोग आए हैं अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए, वो हमारे दर्शकों देखे उसका और अच्छा इनसे इंजॉय करें। जो मेला में जो मेला को प्रदर्शनीय है, ये भी एक हमारा जीवन का कला है जो इंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, चालू इसको करवा दिया जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारा, इन भाइयों लोगों को जितना जल्दी है सपोर्ट मिलेगा और जितना जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए। आप सर कहाँ से हैं? जी कहाँ से हैं आप? हम यही के हैं भैया, यही के। जी जी। थिएटर देखते हैं? हाँ, थिएटर देखते हैं। नहीं, थिएटर का मालिक बोल रहे हैं। मालिक है? जी। अच्छा, जो है कि थिएटर में अश्लील चीज़ें दिखाई जाती है क्या, मतलब कहना है सरकार के? जी जी, बोलिए बोलिए। दिखाई जाती है क्या? क्या दिखाई जाती है? नहीं 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 नहीं, जो जो प्रोग्राम है वही दिखाया जाता है, इसके अलावे वो सब गलत है। तो लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा है? लाइसेंस में डीएम का कमी है, इसमें डीएम का कमी है, लाइसेंस क्यों नहीं दे रहा है? क्यों ना क्यों, तो उनको कुछ ना कुछ तो दिक्कत मतलब लगा होगा, गड़बड़ी बुझाया होगा, इसी कारण से नहीं दिया। नहीं, इसमें मानसिकता की कमी तो है ही, और प्लस पॉइंट है कि आपको, हम तो थिएटर देखने के लिए आए थे काजल को, इसको देख के 3 दिन से हम यहाँ पर जमीन पर सो रहे हैं। देख के क्या मिलेगा? देख के मजा आता। इसमें डीएम का कहना है कि हमको कुछ माल चाहिए। अच्छा। उनको माल मिलेगा तभी वो मेला को लाइसेंस देंगे। आप लोग माल नहीं दिए? हम लोग नहीं दिए हैं और नहीं देंगे। नहीं देंगे? क्यों देंगे? अच्छा। 50 लाख रुपया लगाए क्यों? उनको देने के लिए, डीएम को देने के लिए। अच्छा। क्यों देंगे हम? अच्छा। क्यों देंगे? मांग रहे हैं कि पैसा दीजिए मुझे तब मतलब लाइसेंस देंगे। पैसा मांग, डीएम कह रहा है कि पैसा दो लाइसेंस देंगे। अच्छा। देखते हैं कोई कितना दिन मेला बंद करवाता है। अच्छा, ये 25 नवंबर को ही ये चालू हुआ मतलब सोनपुर मेला, जो है कि तो उस दिन से ही मतलब आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और मान के चलिए कि थिएटर को लाइसेंस नहीं दे रहा है, तो कम से कम झूले वाले को तो दे देना चाहिए था ना उसको लाइसेंस। झूले वाले को कल दिया लाइसेंस, बताइए 5-6 दिन के बाद दिया लाइसेंस, ऐसा होता है क्या कभी? ये पहली बार हुआ है मेला में। वो तो 25 के ही बाद जो है कि हर एक साल 25 के बाद मेला स्टार्ट होता है, तो 1 दिन के बाद लाइसेंस मिल जाता है। बाकी वो तो रोज़ आज बयान करते करते आज 7वां दिन हो गया मेला का। अच्छा। अभी तक तो लाइसेंस नहीं दिया, क्या करेगा आदमी? बंद करवाएगा मेला, क्या कराएगा? इसमें नुकसान उसको थोड़ी हो रहा है, जनता को हो रहा है नुकसान। तो आप मजा आता है, इंटरेस्ट होता है, जागरूकता होता है, इससे क्या मतलब? रात भर हम लोग रहते हैं, टाइम पास नहीं होता तो हम लोग अपना थिएटर में रुक के कलाकारी देखते हैं, कलाकारी देख के फिर सुबह हम लोग घर जाते हैं, खाते पीते नाश्ता करके जाते हैं घर। अच्छा, तो आप लोग सारे आदमी बोलिए मतलब क्या कहना चाहिएगा, थिएटर जल्दी चालू हो जल्दी चालू होना चाहिए भैया। 46 हज़ार लगाए कनवाली बेचने के लिए आए यहाँ पे, वहाँ पे थिएटर बनाने का बाजार कैसे लगेगा, पूंजी ना डूबेगा। आप लोगों का क्या लेना देना है थिएटर से, बताइए? थिएटर को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आप लोगों का दूसरा बिजनेस है, तो इस पे आप लोगों का क्या लेना देना? थिएटर के चलते गरीब को नुकसान ना हो रहा है भैया, थिएटर बनाने पूरा। हम लोग तो यही कहना है, थिएटर चालू होता तो पब्लिक आता तो पूरा मेला चलता है, सबका दुकान का बिक्री होता है, ग्राहक होता है, थिएटर देखने ही आता है, देखने के लिए आते हैं, हर बिजनेस ही चलता है। थिएटर है ये शोभा सम्राट, ये सब तीनों सोनपुर का नंबर वन थिएटर है। जो भी थिएटर है सब नंबर वन है, जो भी वन है यहाँ सबका नंबर वन है। दूर दूर से आदमी आता है, रात भर एंजॉय लिया, सुबह अपन घर गया। बिजनेस भी चलता है ना, कोई जैकेट खरीद रहा है,
कोई सूटर खरीद रहा है, कोई कम्बल खरीद रहा है, कोई नथिया खरीद रहा है, कोई कनवाल खरीद रहा है। बिक्री यही थिएटर से होता है। यहाँ ठीका हुआ था उसी समय कहा देते कि थिएटर नहीं चलेगा, नहीं आता कोई, दुनिया क्यों लगाता 5-5 लाख 10 लाख खाली यहाँ का भाड़ा दे करके जा रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता है राजगीर में? आज चालू होता आज ही चालू हो जाता थिएटर वगैरह सारा शोरूम सब, यही काहे होता है ऐसे? अच्छा सुनने में आता है कि थिएटर में गलत गलत भी काम होता है का? कुछ नहीं होता है, खाली मतलब ऐसे ही डांस होता है और कुछ नहीं होता है। थिएटर के लड़कियां सब करवाती है रात में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब इज्जतदार है। बात पूछ के भैया आप लोगों को नीतीश जी के कहिए रात भर आके देखने के लिए, तब उनको बुझाएगा आग से। नीतीश जी बेटी चो देख सकते हैं यहाँ पे शोभा सम्राट थिएटर के पास में बहुत सारे पब्लिक जमा हुए हैं और ये लोग सारे लोग नारा लगा रहे हैं कि थिएटर चालू होना चाहिए, थिएटर चालू होना चाहिए, जो है कि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। ये लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत यहाँ पे शोरगुल कर रहे हैं। एक सप्ताह बीत गया थिएटर का अलाव नहीं हो रहा है, इस सरकार है कि सरकार जेल में आपको डलवा देंगे, आप गाली दे रहे हैं। हम जेल में चलने के लिए तैयार है, तैयार है, सारा समाज मेरे साथ चलेगा जेल में। बोलो भाई कहाँ से देश विदेश से आया हुआ है, सारा रुपया सारा रुपया समाज दे रहा है, कौन दे रहा है बोलिए आप, बोल सकते हैं बोलिए। आप हमारा जवाब जवाब का जवाब हम हमारा दीजिए। नहीं थिएटर बंद, जानबूझ के किया गया है, थिएटर का जानबूझ के बंद किया गया है। जिंदाबाद है और रहेगा थिएटर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनपुर नगरी जिंदाबाद। भाई नहीं सोनपुर नगरी जिंदाबाद, सोनपुर नगरी जिंदाबाद, कोई सरकार जिंदाबाद नहीं रहेगा, सब मरल सरकार है। सरकार सही रहता, सुनिए मेरा बात सुनिए, सरकार अगर सही रहता ना, सरकार अगर सही रहता तो मेला चलता एकदम 100%। जूला का दुनिया संसार का लाइसेंस मिल गया, मेरा थिएटर का लाइसेंस नहीं मिलेगा? थिएटर में गलत काम होता है सरकार के द्वारा। कौन गलत? इसलिए सरकार को बुलाइए, गलत काम होता है सरकार के बुलाइए, दिखाइए सरकार को, तब हम जानेंगे। इतना साल से थिएटर चल रहा है तो यह गलत काम हुआ नहीं बोलेंगे। मेरा मेला इतना स्वच्छ मेला मर रहा है, सारा भाई समाज मेरा मर रहा है, अब बताइए इसका जवाब दे कौन है? अच्छा तो दीदी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं मीडिया वाले, हम कौन सा चैनल से? आप कौन सा चैनल से? आप लोग के हाथ में गोलू टूडे ब्लॉग, आप कौन सा चैनल से? गोलू टूडे ब्लॉग। नहीं आप कौन सा चैनल से? गोलू टूडे ब्लॉग से। बोलिए गोलू टूडे ब्लॉग, गोलू टूडे चैनल से है। ये थिएटर के पास आए हुए हैं, थिएटर का माहौल हो रहे हैं ठीक न, कहने का मतलब है एक सप्ताह से थिएटर बंद है, एक सप्ताह से थिएटर बंद है और सभी मेला ग्राउंड का लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन थिएटर का लाइसेंस नहीं मिला है। इस सरकार कौन सा सरकार है? तेजस्वी है कि नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार है। बिहार का राज्य का सदस्य बताने वाला नेता को हमको चाहिए धरती पर, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जो है कि ये आज मेला किस लिए बंद है और यहाँ के पब्लिक लोग क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, सब आपको जानकारी मिल गया होगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम हर अपडेट आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी जय बिहार।